मैंने तेरी शादी तय कर दी है मंजिले से। अब्बा? 5 दिन के बाद तेरी रुखसती है। क्या? भला इतनी ऐबदार लड़की से कौन शादी करता है? एक तुम ही तो हो जो इतनी बदनाम लड़की को अपनी इज्जत बनाने जा रहे। तू भड़का रही है हमारे को। ये है वो हुमायूं सईद जिसका कट्टो जी बताती थी कि जी मैसेजेस आते हैं। क्या? पहले मेरा जो रापता था वो ऐसे ही था, लेकिन अभी जो रापता है ना वो सचमुच वाले हुमायूं सईद से ही है। हाँ हाँ, अच्छा ये तो बता तेरी शादी कब हो रही है? अरे ये पूछने के लिए फोन किया मैंने कि हम आ जावें आज शाम को कट्टो को माइयों बिठाने। जी जी बिस्मिल्लाह करें आप। पता नहीं इस नीलो ने भी किस किस को जाकर बता दी होगी अब तो सारी बात। इतने कमबख्तों को भी ना तभी लड़ने आना था जब नीलो यहाँ पर आई हुई थी। सही कहते हैं नसीबों में जब रुसवाई लिखी हो ना तो कैसे भी आ ही जाती है, किसी के सामने भी आ जाती है। अब तो पता नहीं खटखटों की बारात होने वाली है, आने वाली है दरवाजे पर। लो बताओ कहने की देर थी और आ गई। कौन है? अरे कट्टो खोल, मैं गुलनार। सबसे पहले इन्हीं को क्यों आना था? टूटे हुए नसीब है मेरे तो। आई खाला। खोल भी दे ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कैसी हो दुल्हन? कौन दुल्हन? हाँ आज तुम्हारी मायों है तो तुम दुल्हन ही हुई ना। तुमसे किसने कह दिया खाला कि आज मेरी मायों मायों है? अरे मुस्तकीम भाई ने पूरे मोहल्ले को बुलावा दिया आज शाम को तुम्हारी मायों है आज। अब्बा ने सबको बुलावा भी भेज दिया है। पहले तो मैंने सोचा कि तुझसे आके पहले पूछूं, फिर मैंने सोचा क्यों ना दुल्हा मियाँ के घर जाऊं, फिर इस तरह दोनों घरों की बात पता चल जाएगी। वहां गई तो छन्नो फुफो ने ये शगुन भेजा तुम्हारे लिए, ये रख ले। ये क्या है? आए तेरी मायों है आज शाम को, शगुन है। मेरे नहीं बैठना मायों वायों में, लेकर जाएंगे, दे दो उनको वापस। अरे शुरू से तुझे समझाती आ रही हूँ, आखिर निकली ना वही बात, हुमायूं सईद के फरिश्तों को भी नहीं पता और तूने पूरे मोहल्ले में डंडोरा पीट दिया। मैंने सच कह रही हूँ कि ये ना हुमायूं से सच में मुझे मिलने वाला है, सच मुझ में। अरे कट्टो पहले ही तूने अपने और अपने बाप की जगह सही करवाई है, अपने इस ख्वाब को अलमारी में बंद करके रख दे। मैं तुझे समझा रही हूँ और माइयों का जोड़ा पहन ले और चुपचाप अपनी शादी करवा ले। बाकी मेरा समझाना फर्ज था, आगे तेरी मर्जी, मैं जाती हूँ, काम और भी हैं बहुत सारे। अब क्या करूं मैं? मैं नहीं बैठूंगी माइयों में, मुझे अल्लाह के कलाम पर पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है अल्लाह ताला पे, जरूर मेरी शादी हुमायूं सईद से ही करवाएगा वो, मुझे पता है। तो तूने मुझे इस बात पर लड़ने के लिए बुलाया? नहीं नहीं, तुमने जो मेरे सामने इतने सारे कामों का जो ढेर लगाया ना उसका शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। हलवा बना के लाओ तुम्हारे लिए। तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैंने कौन सा कट्टो के साथ दोस्ती निभाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? एक बात सुनो, तुम्हारी दोस्ती मुझसे है, मेरी वजह से इस महल्ले में तुम आना जाना शुरू हो और दोस्ती निभा रहे हो तुम दूसरी औरतों से। मैं खुद तो नहीं गया कट्टो के पास कि कट्टो तुम मुझसे दोस्ती कर लो, उसी ने मुझसे कहा था 10,000 रुपए देने का। तो फिर क्या दे दिया उसने? 7,000 रुपए और काम सिर्फ इतना सा दिया कि मेरी हुमायूं से मुलाकात करा दो, उससे कैश सुन के मेरी दोस्ती करा दो बस। वो तो कह रही है तुम्हारी वजह से हुमायूं सईद उससे खुफिया निकाह करने पर राजी हो गया। अरे उसे पकने दे, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन। जो भी है तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मेरी इजाजत के बगैर तुमने ये काम क्यों किया और मुझसे पूछे बगैर पैसे भी ले लिए? एक बात बता दो, तू मेरी बॉस है या तू मेरी बीवी है जो इस तरह हुकुम चला रही है मुझ पे? दोस्त हूँ ना, और दोस्ती नाम है एतमाद का, और तुमने मेरे एतमाद पे ना पूरा भोंका है। ओ डायलॉग, अल्लाह माफ करना परवरदिगार, तेरे से दोस्ती की बात करो तो तुझे बड़े हिजाब लगने लगते हैं।
हिजाब की तो बात छोड़ ही दो, तुमने क्या मुझे ऐसी वैसी समझ के रखा है? और वो जो 4000 रुपए तुमने मेरे खाए? देख, 4000 की बात नहीं करना तुझसे, मैंने पहले कह दिया। क्यों ना लूं? मेरे शौहर की हलाल की कमाई है। गुल्लू तुम? ओ मेरी शहजादी, किससे बातें कर रही है? अच्छा भाई नीलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। ये कौन है? तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती। ओहो, किसका फोन आ गया? हेलो हेलो अब्बा। अब्बा मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुमने आज शाम मोहल्ले में मायू का बुलावा भी दे दिया है? हाँ बेटा, कल तेरी उपटन है, बुलावा तो देना ही था। अब्बा अब्बा मैं तुमसे कितनी मिन्नतें कर रही हूँ, खुदा के वास्ते मेरे साथ ऐसा सुन ना करो, प्लीज मेरी बात मान लो अब्बा, मुझे थोड़ा सा इंतजार कर लो। अगर नहीं करना तो कम से कम उस जाहिल गवार से तो मेरी शादी ना कराओ ना अब्बा। वो जाहिल नहीं है बेटा, थोड़ा सा बेवकूफ है, खुद भी बड़ी इज्जत से रहेगा और तुझे भी जलील नहीं होने देगा। तो मैंने ऐसे कौन से जलील होने वाला काम किया अब्बा? मेरा ख्याल है इस मौजू पे मेरी तेरी बातें हो चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब बुलावा तो देना है ना, उधर भी बुलावे दे दिए गए, लिहाजा बेटा अब कुछ नहीं हो सकता। अब्बा अच्छा अच्छा, अब बंद कर देना टेलीफोन, घर पे आके बात कर रहा हूँ। ऐसी धूमधाम से करूंगा मैं अपनी बेटी की शादी कि लोग अपनी दांतों में उंगलियां दबा लेंगे। क्या? अब मेरा मतलब है उंगलियों में दांत दबा लेंगे। अच्छा, ऐसा क्या करोगे तुम अब्बा? भाई मैं ये करूंगा कि एक हफ्ता पहले जो है ना ढोलक रखवाऊंगा। आया लाड़िए नी मेरा प्यावन वाला, और फिर उधर मर्दों का अलग लगा होगा, टेंट लगा हुआ होगा, वहां पर चल रहा होगा बाबू ले शी ले शी मो में मले मशले। अब्बा इतनी गर्म चाय ले आई है, क्या हुआ? मैं शादी पे गई थी, पता है उस शादी में ना लड़की वालों ने 4000 से ज्यादा की आतिशबाजियां तो की थी उन्होंने। ऐसी मजे की शादी थी। ये कौन सा कमाल हो गया 4000 रुपए की शादी की? क्या 4000 का क्या किया था? आतिशबाजियां, सिर्फ आतिशबाजियां 4000 की थी, बस सिर्फ 4000। क्या हो गया? मेरी बेटी की शादी हो लेने दे, 15000 की आतिशबाजी होगी, इस किस्म की अनार निकलेंगे चलेंगे, ये निकलेगा बुशा डिशा बुशु बिशु तगड़ 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 अदर। अरे रात में दिन ना बनाया तो देख लेना तू, मेरी कट्टो की ऐसी शादी होगी, तो काहे के लिए परेशान हो? तारा भाभी। हाँ हाँ मंजले आजा। तो 2 बजने वाले हैं भाभी, शादी की तैयारी नहीं करनी है का? पुप्पो ने हमें पूछा ही नहीं, सुबह से तुंतुने की सवारी बुलाकर ना खुद ही तैयारियों में लगी नहीं है। तो चलो वो तो तैयार हो रहेगी, पर माइयों में नहीं जाना का? पुप्पो ने झूठे मुंह तक नहीं पूछा है मंजले। तो घर की शादी ब्याह में घर वालों को कौन दावत दे रहे हैं? अब वो मैं और अनारकली नहीं जा रहे, अगर वहां कुछ पूछ नीछ हो गई ना तो पुप्पो बोले कि सारा तारा का किया धरा है। नहीं बोलेंगी, मेरा जिम्मा है, नहीं बोलेंगी। और घर के बड़े कुछ बोल भी रहे ना तो जबत से काम लेना चाहिए, खास तौर पर शादी ब्याह में। अरे जब्त कर रहे हैं, जबी तो एक घर में रह रहे। चलो तो तुम दोनों को मैं बोल रहा हूँ, तारे को और नारकली को मैं शिरकत की दावत दे रहा हूँ, अब तो शिरकत करोगी ना? और मैंने पुप्पो को भी समझा दिया है, देख अपने पेट से कपड़ा उठाओगी ना तो अपना ही पेट नंगा होगा, घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। चल ठीक है, अब तू इतने प्यार लाड से कह रहा है ना तो मैं चलने को तैयार हूँ, खुश? अच्छा ठीक है, शुक्रिया, अब जल्दी से तैयार हो जा, ठीक है।
तो मनाने आ गया। कपड़ों में दिखाती हूँ क्या पहनूं? ओहो, अभी तक तुमने अपना मूड खराब रखा हुआ है। कितनी बार बताया है, वो मेरी पप्पी का लड़का है। वो पप्पी बीमार है ना, तो उनके इलाज के लिए पैसे मांगने के लिए आया था बस। वाह भाई वाह, तू अपनी बीमार पप्पी के इलाज के लिए पैसा देने के लिए ये तो नहीं कहेगी कि मेरे मियाँ की कमाई हराम की है। अरे नहीं, इसी बहाने से ना पहले भी वो मुझसे 4,000 रुपए ले चुका है और हट्टा कट्टा है, खुद इलाज करवाए ना अपनी माँ का। वैसे भी मेरे शौहर की कमाई हलाल की है, हराम की नहीं। अरे वाह अरे वाह, ये तेरी कौन सी फूफी पैदा हो गई जिसके बेटे को मैं नहीं जानता? बाकी तेरी खाला चची फूफा सबको जानता हूँ। अरे ये मेरे अब्बा ने ना मुंह बोली बहन बनाई थी, वो उन्हीं की बात हो रही है क्या? तुमको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों यकीन का गेर लग ही नहीं रहा, मेरा मूड न्यूट्रल पे ही पड़ा है। तुम क्या समझ रहे हो, वो मेरा लगा सगा था? ओ नहीं नहीं, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं समझ सकता, पर क्या? नहीं, वो जिस तरह खुदाफिस करके गया ना, मेरे जहन के कारपेटर पे कचरा सा फंस गया। तुम्हारी जान की कसम, मेरा उससे कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है। तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, सच कह रही हूँ। ओ चल मान लिया, देख मेरे अदवार के ऊपर ट्रक के पहिए ना चढ़ा देना, ईमान से दिल कुचल जाएगा। ओह अल्लाह, नहीं चढ़ाऊंगी तुम्हारे एतबार पे ट्रक के पहिए। बस अच्छा, मैं तैयार हो जाऊं, शाम को कट्टो की मायूं है ना? कट्टो की मायूं? ओ हुमायूं सही से शादी हो रही है उसकी? चल छोड़, मैं आराम से बताऊंगी तुझे, अभी तैयार होती हूँ। जा जा तैयार हो जा। सवारी में हो या नहीं हो? और अगर सवारी में हो तो रूहों के कब से पांव दुखने लग गए? झरना चल सकती है क्या? क्या पता, बोलती तो यही है। जब नहीं चल सकती, फिर मैं ही उसके अंदर घुसता हूँ, फिर मैं ही उसके टांगों से चलता हूँ। क्या टांगे थकेंगे नहीं? ये बात अजीब सी नहीं है? खैर तू ये बता, तू भौतने क्यों बनी है? मुझसे मुकाबले कर रही है, हैं? तुम्हारा और मेरा किस बात का मुकाबला? वो छन्नो पुप्पो से ये पूछना था कि इन्होंने तो उत्तर में चलने को बोला नहीं, मंजला आया था बोरा तो उत्तर में चलने के लिए। हाँ तो तू कैसे राजी हो गई? तू तो कट्टो और मंजले की शादी पर राजी ही नहीं थी, हैं? सिर्फ तुम्हारी वजह से तुन्तुने, सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना इस औरत की मैंने एक चलने देनी थी इस घर में। ताला! तो हल्का मत लो, वरना तुझे ऐसा बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा। याद रख, इस वक्त तो मेरे मुंह नहीं लग रहा, मैं इसे सिर्फ ये पूछने आई थी कि मैं इनके साथ चलूं या नहीं चलूं। हाँ चलो भाई, जम जम चलो, जम जम चलो। आज क्या क्या करेगी, हैं? रेक गंद ना करना कोई। अल्लाह की कसम, मेरी गंद करने की आदत नहीं है। ओह मत, कसम कर दे, क्या जल्दी से तैयार हो। हाँ याद रखना, चलो जुदा के और मेरी जान। अगर मंजला दावत नहीं देता जाती मेरी जूती। लो जी, चढ़े गए सारे माइयों पर। कवे हैं जोड़े आसमानों पे बड़े हैं, लख मना किया, चढ़े गए सब माइयों में। कड़कूस वाले आएंगे, हमारे को भी आके उपनयन शुभ
फिर शादी भी हो जाएगी, वो दुल्हन बन के घर में भी आ जाएगी, फिर क्या करेंगे? एक बात कान खोल के सुन ले तू, अगर इबके तूने मायूस सिद्ध का नाम लिया ना तो एक खेच के दूंगा तेरे को। हाथ तो लगा के दिखा। क्या कर लेगी तू? तू पहले हाथ लगा के दिखा, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर लूंगी। तू जनानी है इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना दंगल आवे हमारे को। अच्छा, धमकी दे रहा है मुझे? है धमकी दे रहा है? तुझे दंगल आता है ना तो देख, मुझे भी ना ये झाड़ू चलाने आता है। तू मारे पे हाथ उठावेगी? हाँ उठाऊंगी तेरे पे हाथ। देख अब तारा दिमाग ठिकाने लगाता हूँ मैं। अच्छा तू मेरा दिमाग ठिकाने लगा। हाय अल्लाह मियां कोई आइडिया सुझा दे। चाले मुझे इस शादी से मैंने नहीं करनी है शादी वादी, हुमायूं मेरे इंतजार कर लेगा। कौन आ गया? कौन है? आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। तो भा सबर नहीं है? कौन है? अरे मेरी कट्टो दुल्हन रानी। कौन भाई? क्या की कौन दुल्हन रानी? ये सबर तो कर, सब बताते हैं। क्या बताते हैं? क्यों आए हो तुम लोग ये सब? ये क्या है महफिल? कौन सी महफिल है ये? भाड़ में और तुम लोग भी जाओ भाड़ में। सही है, मैं कोई मायू वायु में नहीं बैठती, मैं कोई शादी वादी नहीं करती हूँ। निकलो यहाँ से कटो। ओहो जुगनू भाऊ, जब मारे को डर लग रहा है। अबे शादी से डर रहा है तू? शादी से डरना लगे है? देख शादी के बाद होने वाले झगड़ों से डर लगे है, इन जनानियों का मुंह कौन लगेगा? तू बता क्या करूं मैं? मारे को टेंशन हो रही है, क्या करूं? का पीड़ी बीड़ी से टेंशन दूर हो जाएगी का? मेरे को टेंशन होती है ना तो मैं भी सुट्टा लगा लेता हूँ भाई। ठीक है। भाई आइए, तुम्हारा क्या नहीं खोल रही? मुझे क्या पता। आप लोग ऐसे क्यों खड़े हुए? अंकल मैं आपको ही फोन करने वाली थी, पता नहीं क्यों हमें देख के दरवाजा बंद करके बैठ गई अंदर। हाँ और कह रही है मैं ना करनी है शादी, मुझे ना लगा उपटन। हैं? कट्टो कह रही है? जी कट्टो। कट्टो बेटा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटा। कट्टो अभी खोल दे, खोल दे। कट्टो कट्टो दरवाजा खोल। अंकल एक काम करें, दरवाजा तोड़ दे, ऐसा ना खुदकुशी कर ले। कट्टो दरवाजा खोल, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। क्या कर रही है? अब्बा प्लीज, चार दिन में हुमायूं सईद आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार और कर। बकवास बंद कर। मुझे पता नहीं है ये लोग क्यों आए हुए। ये तुझे उपटन बिठाने के लिए आए हैं, मायूं बिठाने के लिए आए हैं, और तू है कि फजूल से ख्वाबों के पीछे अभी तक मेरा अपना तमाशा बना रही है। खोल के सुन ले, अब एक ही सूरत है, या तो चुप करके उपटन लगवा और अपने घर चले।